एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार विभा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ रिव्यू और ये जो पर्पल की लिप क्रेयॉन्स है उसके ऊपर मैंने पर्पल की जो ये लिप क्रेयॉन के दो शेड पिक किए इसमें टोटल चार शेड अवेलेबल हैं तो मैंने इसमें सिर्फ शेड नंबर टू और शेड नंबर थ्री पिक किया है और इनके बारे में आप लोगों को इसके स्वैचेज लिप स्वैचेज हैंड स्वैचेज मैं आपको दिखाऊँगा इसकी जो क्वालिटी है किस तरह की है और बाकी सारे डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये इस तरह की सिंपल सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है और ये लिपस्टिक्स आप परचेज कर सकते हैं purple.com से और इसकी MRP जो है वो 399 रुपीज़ बट मुझे जब ऑफर चल रहा था तो मैंने पिक की थी और मुझे पड़ी थी अराउंड 280 रुपीज़ की। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर purple.com पे मिलते ही रहते हैं तो आप देख सकते हो। इनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं इनके फॉर्मूला की और किस तरह की लिपस्टिक है। तो इस तरह की लिपस्टिक आपको मिलती है जो यूजुअली सारे क्रेयॉन लिपस्टिक आती है उसी तरह की पैकेजिंग में ये क्रेयॉन लिपस्टिक है और यहाँ पे भी शेड नंबर मेंशन किया गया है और इसकी जो पिगमेंटेशन है वो आपको दिखा देती है स्वैच करके इवन सिंगल स्वाइप में आप देख सकते हो। ये बहुत ही बटरी सॉफ्ट लिपस्टिक है तो ये प्योर मैट लिपस्टिक्स हैं तो जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें ये वाली तो आई सजेस्ट डू मॉइस्चराइज योर लिप देन ओनली अप्लाई दिस लिपस्टिक अदरवाइज ये लिप्स पे काफ़ी ड्राई हो सकती है जो कि यूजुअली सारी मैट लिपस्टिक्स होती है तो हमेशा मॉइस्चराइज करिए अपनी लिप्स को देन यू कैन अप्लाई दिस। ये लिपस्टिक्स आपके लिप्स पर रहने वाली अराउंड 4 to 5 आवर्स इजीली। दूसरा जो शेड है उसका भी मैं आपको स्वैच करके बता देती हूँ सिंगल स्वाइप में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये लिपस्टिक्स। So now you can see even single swipe these two lipsticks are really nice, so buttery soft, easy to apply. If you moisturize your lip, बहुत ही light weight है आपके lip बिल्कुल feel नहीं होगी आपने lipstick apply की इतनी ज़्यादा light weight lipsticks है ये। So now let's move on to the lip swatches. वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।